क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा सीधा असर पड़ रहा है। एक तो सीजन डिले हो रहा है, दूसरा क्रॉप काफ़ी कम लग रही है। जैसे इस साल है, इस साल लास्ट ईयर के मुकाबले लगभग 20% क्रॉप है। हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में सेब बागवानी का अहम योगदान है। अकेला सेब प्रदेश की जीडीपी में 3.5% योगदान करता है। प्रदेश में हर साल 4 करोड़ सेब की पेटियों के उत्पादन के साथ 5,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। ऐसे में फलों की टोकरी कहे जाने वाले हिमाचल के सेब को पूरी दुनिया में सराहा जाता है। जहां सेब एक तरह प्रदेश की आर्थिकी को बल दे रहा है, वहीं दूसरी ओर सेब बागवानी में प्रदेश के 1.12 लाख बागवान खुद की आजीविका कमाने के साथ लाखों अन्य लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मुहैया करवाते हैं। ऐसे में लोगों के रोजगार और उनकी आर्थिकी से सीधे तौर पर जुड़ी सेब बागवानी को भविष्य के लिए बचाए रखने की चुनौती हमारे सामने खड़ी हो गई है। मौसम में आ रहे बदलाव और जलवायु परिवर्तन का असर सेब बागवानी में प्रत्यक्ष रूप में दिखना शुरू हो गया है। मैं थर्ड जनरेशन फार्मर हूँ अपनी फैमिली में, और फार्मिंग मुझे विरासत में मिली है अपने पिता से, अपने दादाजी से। तो जहाँ तक क्लाइमेट चेंज का सवाल है और उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे एप्पल इंडस्ट्री पे पड़ रहा है, या हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में कहेंगे, तो जहाँ जब से मैंने होश संभाला है लगभग 10-15 साल पहले, जो हम देखते थे जिस तरह की सिचुएशंस हमारे लोअर बेल्ट में होती थी, जैसे 6000 फीट से कम ऊंचाई वाले बगीचों में जिस तरह की दिक्कतें होती थी, तो आज वो दिक्कतें हमारे 7000 फीट के एलिवेशन पे, 7000-7500 फीट के एलिवेशन वाले ऑर्चर्ड में हमें फेस करनी पड़ रही है। जो हमारी स्टैंडर्ड वेराइटी थी, जैसे रॉयल डिलीशियस था, ये लगभग अब उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है इस एलिवेशन पे जैसे 10-15 साल पहले होता था। जलवायु परिवर्तन की वजह से सेब बागवानी अब अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की ओर शिफ्ट हो रही है, जो कि एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। हाल ही में सेब बागवानी के हाई एल्टीट्यूड की ओर बढ़ने को लेकर हुए शोध में पाया गया है कि जहां 1980 के दशक में सेब बागवानी 1000 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर आसानी से की जा रही थी, वो अब 40 वर्षों में यहां से शिफ्ट होकर 3500 मीटर तक पहुंच गई है। इतना ही नहीं, मौसम में आ रहे बदलावों, कम वर्षा, कम बर्फबारी और घटते दिनों की संख्या की वजह से सेब बागवानी पर बहुत बुरे असर पड़ रहे हैं। हमारा जो मौसमी बदलाव काफ़ी हो रहा है, तो गर्मियां ज़्यादा पड़ रही है अब, उस वजह से जो हमारे ऑर्चर्ड में पेस्ट अटैक है वो भी बढ़ रहा है, फंगल इन्फेक्शन भी काफ़ी बढ़ रहा है, खासकर जैसे माइट्स की समस्या है। माइट्स गर्मियों में जैसे ही टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो माइट्स का अटैक होता है। तो हमारे बगीचों में माइट्स नहीं होता था यहाँ पे, अब 2 सालों से हमारे ऑर्चर्ड में भी माइट्स में हम नोटिस कर रहे हैं। इसकी वजह से बागवानों को इनके नियंत्रण के लिए रासायनिक दवाइयों और कीटनाशकों को प्रयोग करना पड़ रहा है, जिससे बागवानों की लागत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और उनका मुनाफा भी कम होता जा रहा है। एक तो हमारे फ्रूट क्वालिटी डिक्रीज हो रही है, उससे हमारे को सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं अपने फ्रूट के। दूसरा, इनपुट कॉस्ट काफ़ी बढ़ रही है, स्प्रेज पे हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कई फार्मर्स मुझसे जब हम लोग बात करते हैं तो मुझसे शेयर करते हैं कि हम लोग जहाँ पहले 50-60 हज़ार के मतलब इनपुट कॉस्ट रहती थी हमारी एप्पल प्रोड्यूस करने में, आज वो 1 लाख या 1.25 लाख तक पहुंच गया है, और उसके मुकाबले में अगर देखा जाए प्रोडक्टिविटी जो है हमारी वो डिक्रीज हो रही है। तो ये क्लाइमेट चेंज का काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट है। इन सभी दर्शनीय तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए सेब बागवानी को बचाए रखने के लिए हमें अभी से जलवायु परिवर्तन के प्रति संजीदा होने की जरूरत है। चेंज का विषय आज पूरे विश्व का विषय है, और हिमाचल जैसा पहाड़ी राज्य भी इससे अछूता नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में यदि बदलते मौसम का यदि बेस्ट इंडिकेटर कोई है तो सेब की फसल है। हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी जो सोलन है में हमारी है, उसका अनुसंधान एक हुआ है, उन्होंने पिछले दशकों में 1 से 4 डिग्री तक टेम्परेचर का बढ़ना बताया हुआ है। तो निश्चित रूप से सेब की फसल पे इसका सबसे बड़ा प्रभाव है, और ये प्रभाव सिर्फ हम वैज्ञानिक रूप से ही नहीं देख सकते हैं, किसानों और बागवानों ने इसको अनुभव किया है।
जो अच्छा सेब की फसलें, जो रॉयल वराइटीज़ हमारी 1500 1600 मीटर की हाइट से अच्छी होना शुरू होती थी, और इसका आप अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि 2010 में लगभग 5.5 करोड़ 6 करोड़ पेटी सेब की हिमाचल प्रदेश से आई थी, और इस वर्ष का जो अनुमान है वो 1.5 से 2 करोड़ तक का है। तो इतना जो उछाल उतार चढ़ाव सेब की बागवानी में आ रहा है, निश्चित रूप से क्लाइमेट चेंज का प्रभाव है, और इसके निपटारे के लिए अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।